हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोशॉप की। तो बेसिकली फोटोशॉप के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो। क्या होता है कि आपके पास कोई फॉर्म होता है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप कुछ गलत फिल कर देते हो या फिर गलती से पेन चल जाता है, उसको आप रिटच कैसे कर सकते हो, इस चीज को कैसे रिमूव कर सकते हो बिना एडिट किए हुए। तो मैं उस चीज को आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, इससे हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेंगे। तो मैं आपका समय नष्ट ना करते हुए ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कहाँ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ऐसा हमारे पास एक पेज है जहाँ पे पेन से चीज़ों को लिखा गया है। तो कई बार क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, यानी गलती से उस पर इंक आ जाता है। तो यानी पिंक के जो भी कह सकते हो, आपके जो पेन का स्याही है, इंक है, उसको आप कैसे रिमूव करोगे। तो हमें सबसे पहले अपने पेज को सेलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर इमेज पर आना है, एडजस्टमेंट वाले पे ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्टिव कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको क्लिक करना है। कंट्रोल ए से आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है, देन इमेज पे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, उसके बाद सेलेक्टिव टूल पे आना है। ऊपर कलर में हम ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे और इसको -100 करके यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर आपका कलर वेरिएंट मैच नहीं कर रहा है तो आप कैनियन को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर मैग्नेटा को कम ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ब्लू हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है आपकी चीज़ों को। बस हमें इसको अब 3-4 बार 5 बार 12 बार लगातार ऐसे करते रहना है, तब तक करना है ये प्रोसेसर जब तक कि हमारा ये कंटेंट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखिए, हमने वैल्यू सेट कर ली है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ओके कर देना है। तभी आप देख सकते हो थोड़ा सा ये डल लग रहा है, जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएंट कलर था आपको डल नज़र आ रहा है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। वापस हम जाएंगे इमेज पे, एडजस्टमेंट पे, सेलेक्टिव कलर पे। यहाँ पे कलर हमें देखिए क्या करना है, ब्लू कलर का सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, कलर्स पे आए, ब्लू कलर सेलेक्ट किए और इसको -100 कर दिए। देखिए हमारे यहाँ जो ये वेरिएंट है, यानी ब्लू कलर है, ये देखिए पेन वाला ये रिमूव होना शुरू हो गया है। -100 -100 आपको ये कम से कम 7-8 बार लगातार तब तक की करना, जब तक ये रिमूव ना हो जाए, तो परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हम जितनी बार रिमूव करें, देखिए हर बार ये बार बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम होता चला जा रहा है। सेलेक्टिव टूल की मदद से वापस हमने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया एंड ये ब्लैक वाले सेक्शन को -100 किया, फिर ओके कर दिया, ठीक है। आप जूम करके हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे देखिए यस लिखा है, भी हल्का हल्का आपको टिक यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी हम इसको अगर 1 से 2 बार और कर लेंगे इसी प्रोसीजर को, तो सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।